हेलो गाइस, इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं एनएफसी सेटिंग के बारे में। दोस्तों, हर फोन में, हर स्मार्टफोन में एनएफसी जो सेटिंग है रहता है, और बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है कि इस सेटिंग का मतलब क्या है और इस सेटिंग से हम क्या जो है लाभ ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, एनएफसी सेटिंग का मतलब यह है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, क्लियर भाषा में आप लोगों को समझ आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप मॉल में जाओगे, चाहे कहीं सुपर मार्केट में, तो बहुत लोगों को आपने देखे होंगे अपने मोबाइल को ऐसे टच करके जो है पेमेंट कर देते हैं। तो पूरा दोस्तों कमाल है एनएफसी सेटिंग का। अब कैसे इसको ऑन करते हैं पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आपके पास मास्टर कार्ड है, चाहे वीजा कार्ड है, तो आप प्ले स्टोर से वीजा कार्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना कार्ड जो है ऐड कर लोगे अपने फोन में। तो दोस्तों, जब तक आप एनएफसी जो है सेटिंग चालू नहीं करोगे, तो आप जो है जो डिजिटल पेमेंट होता है ऐसे टच करने में, तो दोस्तों वो आपका पेमेंट नहीं होगा। ऐसे मोबाइल को टच करोगे ले जाके मशीन के साथ, जो ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है मशीन से, दोस्तों उसके सामने ऐसे टच करोगे तो आपका पेमेंट नहीं होगा मोबाइल से, अगर आप अपने मोबाइल में मास्टर कार्ड चाहे वीजा कार्ड ऐड कर रखे हो। तो एनएफसी जो है सेटिंग ऑन करना बहुत जरूरी है। कैसे चालू करते हैं फोन में, चलिए मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, आपको जो है फोन की सेटिंग में जाना है। फोन की सेटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सर्च सेटिंग्स पे क्लिक करके जो है आपको सर्च करना है एन एफ सी, लिख के आपको सर्च कर देना है तो ऊपर ही आ जाएगा। उस पर क्लिक करके अपना जो है एन एफ सी जो सेटिंग है ऑन कर लेना है। तो देख लीजिए, अभी जो है मेरा ऑन हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है चालू करके आप डिजिटल पेमेंट जो है कर सकते हो अपने फोन से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यही करते हैं वीडियो को समाप्त, फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।